मैं दिल्ली निकल रही हूँ ट्रेन से और यहाँ घर पे तमाशा कर रहे हैं लोग चिल्ला चिल्ला के। कौन जा रहा है छोड़ने मेरे को? पापा पापा को नहीं भेजो, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। किसी को लगा मैं निकल रही हूँ, मैंने सब कुछ अपडेट दिया। चले स्नेहा तुम आप चलो, बैग उधर है, बैग पानी की बोतल देनी है अभी मैंने। मम्मा चलो पानी की बोतल लेते हैं, चिप्स कुक लेते हैं। गाइस हम जा रहे हैं, पापा कैश है, कैश निकालूंगा बाहर जाकर, मैं निकाल लेती हूँ। चलो यार लड़ रहे हैं यार। तो गाइस मैं जा रही हूँ दिल्ली जस्ट फॉर एक्सप्लोर, बहुत फकडअप हो गया लाइफ थोड़ी सी। आई होप मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ, मैं एक्सपीरियंस करूँगी आज ट्रेन का, सेफ ही नहीं है, बहुत चीज़ें होंगी, तो स्टे टून स्टे हियर। तो गाइस मैंने अभी क्या करा, मैंने टिकट का प्रिंट आउट निकाल लिया ताकि कोई फोन नहीं छीने टिकट के मान लें, बहुत टेंशन होती है मैं पूछ पूछे टिकट कहाँ जाना है वाला। तो सेफ्टी के लिए मम्मी भाई बहन भी आ गए, लड़के लड़के मम्मी कहते बुला लें, तो अब सब निकल रहे हैं और बताते हैं क्या होता है, मजे लेते हैं। कितना खुश है, कितना खुश है लंगू? जा रहे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ये देखो पीछे ही मैडम आ रही है, चलो मेरी मम्मी ना ऑटो में सर बैठे रो रही हैं, बल्कि खुसर खुसर कर रही है, क्या करा रही है, मतलब कि मेरी भाई और मेरा भाई कह रहा मेरे लिए सामान ला, ये भी मेरी माँ कह रही तुम सही सलामत आ रहा है सामान है तुम्हें, उसको डर के थ्रू छूट रहे हैं, कुछ नहीं होगा मैंने इनको कहा भाई सुरक्षा के साथ जा रहे हैं, बट तब भी भगवान से ब्लेसिंग करेंगे, ये करेगी ना पंगन मेरी घर जाके। बाकी गाइस मजा नहीं कर जाने से पहले, गाइस अभी हम फोन करते हैं स्टेशन। मेरा भाई ने मेरा बैग उठाया, मम्मा क्या हुआ पीछे? पुलिस वाले ने ना बट लॉक की लगा दी मेरे बैंक, कहती अभी अभी रोक के ना मुझे बताएंगे ये लोग कि हटा कर दिखाओ सब कुछ में था। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स रख लिए पिक्चर रखी, तो ये हमारा देखा बहुत रश था, ऑब्वियसली बात है डर तो लगेगा थोड़ा मुझे भी, बट बी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग डर चल रहा है। ट्रेन की यात्री नंबर गाड़ी नंबर चिल्ला चिल्ला के बता रहे मम्मा कैसा लग रहा है, रोना नहीं, रोने वाली रो आ रही आई जाना नहीं। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे गाड़ी तो आई नहीं, मुड़ा भी देखो ये सब भी रखो गुआची ना बंदा, मम्मा मुड़ा फड़ बस कुछ नहीं फड़। तो मेरी बहन ब्लॉगिंग कर रही है मेरे बिहाफ पे, तो मम्मी गंगू सामने रखना इसका फोन है, मेरा फोन है इसके पास फोन है। हाँ चलो मम्मा चलो चलो गंगू चला गंगू चला आप इधर भाग। गाइस बहुत इशू समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना, जल्दी जल्दी कहाँ जाना पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, पता है वेटिंग प्रेडिक्शन है यहाँ पे जनहार है और वहाँ पे वो है टूरिस्ट रेलवे स्टेशन, मोस्ट प्रॉब्ली हमें यहाँ जाना है यहाँ वहाँ जाना चाहते और देख आते हैं मैं कड़ा बार बनानी है, चलते चलते नहीं होता कहाँ जाना है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम आई हूँ रेलवे स्टेशन, तो बस जाते हैं अंदर और बात करते हैं, मेरे घर बहुत सपोर्टिव है पापा, मेरे बोलते कैंसिल करा ले लास्ट मिनट कैंसिल करा ले, मेरा बैग स्कैन ले गया मम्मी बैग स्कैन करा लिया आगे ताकि कुछ उसमें। तो गाइस अभी मैंने बैग स्कैन करा दिया, मेरा बैग यहाँ से आएगा, चलते हैं आगे। आ गया मेरा बैग, कुछ नहीं है इसके अंदर, मेकअप है भर भर के और कपड़े। मैडम चूड़ा डाल के आना चाहिए था आपको, लोग देखे तो दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 ढूंढती हूँ वहाँ बैठ जाती हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 कहाँ है ये रहा। और मम्मी मेरे भाई को पूरा बांध लिया, मेरी बहन मेरे साथ में ही है। आए 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 मेरा बैग देख सकते हो, मम्मा कैसा लग रहा है अच्छी बोलना मेरी ट्रेन ऐसी नहीं अच्छी है वो रोना आ रहा है। फोन की बैटरी ड्रेन ना हो और हम एक घंटा पहले पहुंच चुके हैं मम्मी के बोलने पे, तो मैं ब्लॉग अभी सुनी जब प्लेटफॉर्म पे आएगी मैं बताऊंगी कैसे मैनेज किया मम्मी मम्मी भाई बहन कैसे गए, तो अभी तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी कि मेरी बैटरी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी फोन ले लिया, स्टिल मुझे लगता है मैं तो बताऊंगा मैं क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना है। और तू साड़ी क्यों है, तूने तो मना की पंजरी, चलो गाइस बुलाते हैं इनको, मैं बुला रो क्यों रही है ये चिपसुदल फोन के बुला तेरी ऐसी तैसे कुड़ी जा रही है, मैं जा रही हूं उसकी भी करनी है इसको क्या चिपसुल करा मेरा फोन ले जा ला लो भैया थिंग इज गोइंग स्ट्रेंज क्योंकि मैं मम्मा बहन बैठे हुए हैं, तीन लड़के मुझे कब से घूर रहे हैं, मतलब एक बैठा कुछ से पूछा दूसरे बैठे से बैठा, तो मेरी बहन ना उनके साइड के बैठ गई
निकल गए, वो मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, दे आर रिकॉग्नाइजिंग मी कि मैं हूँ। बाकी अभी यहाँ पे कोलकाता वाली ट्रेन लगी हुई है, अभी ये निकलेगी फिर मेरी ट्रेन आएगी। बट मम्मी और मैं बाहर, मेरी भाई कहती हाय, वो लड़कों के पीछे हाय भाई कहते मैं हाय। बहुत मज़ा आ रहा है यार, ट्रेन ही नहीं आ रही पिछले, मेरी मामा मुझे डेढ़ घंटे वाले आई है, डेढ़ घंटे वाले। मम्मी यहाँ पे है, कैसा लग रहा है एसी वाला? थर्ड सीट एंड ऊपर मेरा बेंच है, फिर कंबल भी सब दिए हुए हैं। बहन जा रही हूँ, मैं एसी में जाना है, अब पहला फोन हेलो जा रही हूँ मैं। चलो यार यहाँ से बाहर, टेंशन लगा, बाय बाय, बाहर तक आती छोड़ने चलो। पी बज गई, निकलो, बाय 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 मम्मा, बाय बाय बाय। रोना नहीं, रोने लग जाएगी और मम्मा बाय करूँगी। कौन है सब चले गए हैं तो मैं लेट गई हूँ यहाँ पे आके। अभी तो अच्छे हैं फैसिलिटीज यहाँ पे, सब कुछ स्विच बोर्ड है, कंबल वगैरह सब कुछ है, पानी का होल्डर भी है। आगे रिव्यू करते निकलते, अभी 10 मिनट में निकल रही है और की ट्रेन चले आधा घंटा होगा। और सर्विस बहुत अच्छी है, मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ। डिपेंड करता है आप किसके कंपार्टमेंट में, पिलो विलो रखा हुआ है, मतलब खाना वाना क्लासिक भाई अमूल का अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है मुझे से, तो मैं खाना आता, मैंने कुछ भी नहीं खाया होगा तो खाऊंगी फिर करते हैं बात। कैमरा भी खराब था हमारे, मेरा मेकअप हुआ हुआ ना तो खराब, तो मैं कह रही थी कि अभी खाना वाना खा के मम्मा पापा को भेजते हैं, फिर मजा करते हैं, फिर पहुँच के आपको बताएंगे क्या क्या किया मैंने उस दिन। तो मैं रेस्ट करूँगी, 3-4 ब्लॉग्स बनाऊँगी अलग चीज़ों पर। और भी बात गॉट माई थाली खाने के लिए, खाना खाती हूँ थाली, बहुत अच्छे राइस, पनीर, दाल समथिंग, दही, रोटी खाते हैं, ट्रेन की रोटी भी ट्राई करते हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है। अभी जस्ट टिकट चेकअप कराया हमें, चेकअप और कह रहे हैं खाना फिर से नहीं देंगे, सर्विस खत्म हो जाएगी, अगर मुझे ज़्यादा भूख लगी रात को फिर मैं तो कुछ लाई भी नहीं स्नैक अपने साथ, खज्जल हो जाऊंगी। जस्ट फिनिश माय खाना एंड सैनिटाइजर दिया है और उन्होंने मुझे टिश्यू पेपर दिया, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि प्लेट्स को तक नहीं जाना है, खुद देख रहे तो मैं चली आती हूँ जाके। खाना खा के 10 मिनट में आइसक्रीम बाबू सर, यार यहाँ रख दो, खाना भी नहीं खाया। अरे फिर सो रहे हैं, अच्छा अच्छा प्लेट खाली करना, कहीं सब ऐसे खाएंगे खा के बताते हैं। वैसे मुझे तो मज़ा आ रहा है, बट अभी 2 घंटे भी नहीं हुए अभी मुझे निकले, फ़ोन चाल गया, स्विच बोर्ड भी अच्छा है। बहुत मज़ा आया मेरे को, देखिए ऐसे इधर उधर मैं कुछ नहीं हुआ बट मज़ा बहुत आया झूले का। तो मेरा फ्रेंड बस निकल गया अपने घर से लेने के लिए, उसने मुझे अपार्टमेंट छोड़ के दफा हो जाना है, फाइनली हुआ बहुत दिन आ रही है। गाइस आई एम आउट वॉशरूम का फ्रेश जा रही हूँ, मैं थोड़े देर, मैं एटलीस्ट 2 बार आई हूँ, फिर मैं बैग लेके मतलब और अंदर वाला बैग बिल्कुल सही मैं पैदल काम कर रही हूँ। एंड आई एम सो फ्रीकिंग हैप्पी राइट नाउ, मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ ऑलमोस्ट विद इन हाफ एन आवर 20 मिनट्स में मेरा दोस्त ऑलरेडी निकल चुका है लेने के लिए अपार्टमेंट में छोड़ देगा। एंड दिस एक्सपीरियंस वॉज जस्ट कम्फर्टेबल, देखो लोग यहाँ पर भी घूरते हैं, लोग वहाँ पर भी घूरते हैं, मुझे भी यहाँ पर बुरा लोग होते हैं अकेले लड़के लिए, बट सारा मन पैंट है मेरा, कुल्ली आ रहा है, मेरा कैब आ रहा है, और अभी मैं जा रही हूँ बाहर का व्यू दिखाती हूँ, कैब का सफ़र दिखाती हूँ क्योंकि ओला उबर चलती है यहाँ पर, जम्मू में नहीं चलती। उसके बाद आज दिन खत्म करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ शाम से जो भी।
चलती यहाँ पे, ऐसे मेट्रो चलती है यहाँ पे, ट्रेन मेट्रो है ये गाइस। हमने लेने आया मेरा कुली विश्वास नहीं हो रहा मैं दिल्ली पहुंच गई, अभी मुझे मेरे ठिकाने छोड़ के दफा हो जाएगा, दूर कहीं नहीं होगी यार। चाय, मुझे चाय पीनी है घर जाके यार, घर बोल रही हूँ। यहाँ पे एलिवेटर्स लगे हैं वही स्टेशन पे, जम्मू वालों सीखो कुछ, जम्मू वालों सीखो कुछ। वो बेचारे की नींद उठी हुई है मेरे बच्चे आज। अब यहाँ पे लोग मुझे घूर नहीं रहे ब्लॉगिंग करते, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लोग नहीं घूर रहे हैं गाइस, आई एम हैप्पी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, वाले अब घूर रहे हैं। वाह, दिस इज जन्नत। अमीर लोग रहते हैं, ओला बुक कराइए भाई साहब ने, तो अभी ऑटो ऑटो में, इसको पता है यहाँ का माहौल ऐसा है इसलिए ओला करवाई है, अभी छोड़ेगा मेरे को ये। मैं तो दिल्ली की वाइब्स अच्छी लगी उधर लोगों ने। वेट वेट वेट, मुझे इमिनी दिल्ली दिख गया। इज हेयर ना कि ओला इज लाइक दिस इन दिल्ली भाई, देखो ओला सर्विस है यहाँ पे। चलो 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 चलो, इस साइड से आना, तू क्या उस साइड से आ रहा था गाइस। नोएडा पहुंच चुकी हूँ और यहाँ बारिश का स्वागत कर रहा है बारिश से मेरा, मेरी आंखें इग्नोर कर रहा है, मैं एक्स को इग्नोर करते हूँ, मेरी आंखें बड़ी गंदी लग रही है, मेकअप उतारा नहीं डालती मैंने। बस पहुंच रहे हैं मैं पहुंच गई ऑलमोस्ट, तो बारिश रुक गई। देखा भगवान जी कितने अच्छे हैं कि लड़की हमारी आ रही है, बारिश मत करो जम्मू से, राइट साइड पे जाना है।